नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिराज, आपका होस्ट और प्रिंट एड हिंदी में आप सभी को फिर से स्वागत है। और हर बार की तरह मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो आज का जो कंटेंट हॉट टॉपिक जो होने वाला है, अब तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसके बारे में, जी हाँ, इसके बारे में ही बात करेंगे, डिटेल में आएंगे। ये है क्या, इसे क्या होता है, फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं, आपको डिटेल में बताए जाएंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, आपको डिटेल पता रह जाएगा क्या है इस मशीन से, क्या कर सकते हैं आप और उससे क्या हेल्प होने वाला है आपके स्क्रीन पेंटिंग की जर्नी में। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो मशीन है, ये जो देख पा रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट मशीन है हम लोगों का प्रिंटर की तरफ से, ये स्क्रीन ड्रायर है। जैसे कि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है हम सब स्क्रीन प्रिंटर्स के लिए, जो भी स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, बहुत ही मुश्किल एक अहम वक्त हम लोग का गुजर जाता है। क्योंकि जब हम कोटिंग करते हैं, हम तो प्रिंटिंग हम अपनी स्पीड के अनुसार हम कर सकते हैं, जितना स्पीड कर सकते हैं, जो जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो प्रिंटिंग हो सकता है। बट ये फ्रेम जो ड्राई है, इसको आप अगर फैन के अंडर रखेंगे, फ़ैन के नीचे रखते हैं, डार्क रूम में रखते हैं, बहुत सारे फ्रेम है यार, पूरा फ्लोर भर जाता है आपका फ्रेम से कभी कभार, ज़्यादा ऑर्डर से, ज़्यादा डिज़ाइन से। तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी फ्लोर में लग के कुछ और डस्ट वगैरह गिर जाता है, ये सब बाद में प्रॉब्लम करता है। और इसको हमेशा जिस रूम में रख रहे हैं उसको आप डार्क करके रखो, हमेशा डार्क, जब तक वो ड्राई ना हो जाए, एक्सपोज ना हो जाए तब तक आप उसको ड्राई करके रखो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका पर्टिकुलर एक प्रिंटिंग प्लेस होगा जहाँ पे आप प्रिंटिंग करेंगे, तो उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपोजिंग या फिर ड्राइंग के लिए रखना है, उसको और भी काम भी करना है। आप जब तक ये ड्राई होगा तब तक आप और कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, और भी कुछ काम कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लोर पे ऐसे फ़ैन के नीचे रखेंगे या नॉर्मल फ़ैन के नीचे रखेंगे, तो ये एटलीस्ट आपका 50 से 60 मिनट, मतलब एक घंटे तक टाइम आपका लग जाएगा प्रॉपर ड्राई होने के लिए बोथ साइड। और हम सबको पता है कि ये प्रॉपर ड्राई नहीं होगा तो प्रिंट का इम्प्रेशन अच्छा नहीं आएगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा, जब वॉशिंग करते तब निकल सकता है। तो ये बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से ड्राई नहीं करते। तो ये इन सब का सॉल्यूशन लेके प्रिंट हाइट आपके पास ये मशीन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये स्क्रीन ड्रायर, जिसके ये स्पीड ड्राई नाम से जाने जाएंगे, प्रिंटर के जो ड्रायर आएंगे ये स्पीड ड्राई के नाम से जाने जाएंगे। तो इस पर अभी होगा क्या, बेसिकली ये जो स्क्रीन ड्रायर है ये आपको कम से कम समय में आपको स्क्रीन को ड्राई करके देगा, एकदम कम से कम। कितना मैं आगे बताता हूँ, इसका फीचर्स क्या है वो भी बताऊँगा। तो उससे पहले ये बता दूँ, बॉडी का स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे हम, तो बॉडी के स्ट्रक्चर फुल मेटल बॉडी होता है, चारों ओर से मेटल बॉडी है, बहुत थिक गेज का होता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब बैन होने का कुछ चांसेस होता नहीं है। और अगर आप बाहरी तरफ देखेंगे तो यहाँ लॉक्स कुछ है, दो लॉक्स है जिसको आप खोल के, अनलॉक करके ये डोर खोल सकते हैं। और ये डोर खोलते ही आपको मेन चीज़ जो मैंने बता रहा था वो चीज़ आने वाले हैं, ये स्क्रीन ड्रायर प्लेस है, इसके अंदर फ्रेम को घुसाना है। क्या घुसा सकते हैं, कोटिंग करने के बाद जो होता है वो ड्राई कर सकते हैं, या फिर आप डिकोट करके आप स्क्रीन को ड्राई करनी है जल्दी कोटिंग करने के लिए, उसको भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेज दिया गया है, 10 स्टेज दिया गया, तो 10 फ्रेम आप एक से एक ही टाइम पे इसको ड्राई कर लेंगे। तो ये जो अगर फ्रेम की साइज़ की बात करें, कितने फ्रेम यूज़ कर सकते हैं आप, कितने साइज़ का फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, वो मैक्सिमम जो फ्रेम साइज़ होगा 24x26 इंचज़ का होगा। और ये जो फ्रेम साइज़ है ये A3 साइज़ प्लस है, और जो मिनिमम है वो 14x18 जो A4 का है। तो आप A4 से लेके A3 प्लस साइज तक का फ्रेम इस पर आप डाल सकते हैं और उसको ड्राई कर सकते हैं। और नीचे आप देख पा रहे हैं इस पर ये ट्रे दिया गया है, ये एल्युमिनियम का ट्रे है। तो ये ट्रे आपको क्या करना है, इस किस किस काम पे आता है वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जब आप ड्राई फ्रेम को डिकोट करके जब आप उसको वॉश करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करना है नेक्स्ट कोटिंग के लिए, तो क्या है उस टाइम भी आपको ज़रूरत चाहिए होता है कि जल्द से जल्द ड्राई हो जाए, उस टाइम आप इसको रख देंगे। तो रख देंगे तो जो पानी चूता है वो नीचे बॉडी को इफेक्ट ना करे इस मशीन का, इसलिए ये ट्रे दिया गया है। जब आपको लगे कि ये फिल ऑटो मतलब फिल होने वाला है या फिर बहुत भर चुका है, तब उसको निकाल के क्लीन करके फिर से डाल दें। तो ये एक एक तरह से एक सेफ्टी पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं इसको, कि आपका जो पानी है वो मशीन में नहीं जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक
सिस्टम है ये पूरा, तो पानी जाने से प्रॉब्लम होगा, इसका भी कंपनी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। और इसको डालने के बाद आप देखेंगे इसको जब क्लोज करेंगे हम, तो क्लोज करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पे ग्रीप बहुत अच्छी है इसलिए इसके कुछ साउंड्स वगैरह करते नहीं है, कुछ भी साउंड नहीं है, सॉफ्ट ये क्लोज होगा। और ये जो लॉक दिया गया है दोस्तों, ये जर्मन मेड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है ताकि आपको सालों साल तक का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो लॉक का, इसका भी अच्छी तरह से ध्यान गया। बारीकी से चीज़ को बनाया गया है ताकि आपको एक बार सामान लेने के बाद बार बार सोचना ना पड़े ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, इस तरह से सामान बनाया नहीं गया। और मैं हर बार ही बताता हूँ कि प्रिंट हाइट जो है क्वालिटी पे बिलीव करता है, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको द मार्क हो हमारे एंड से जितने भी हो सके, और हम लोग रखते भी आए हुए हैं। और इसको क्लोज करते ही आपको मैं ये बता दूँ, इस साइड पे यहाँ पे देख पा रहे हैं दो स्विच आपको नज़र आ रहा है और ये टाइमर है। तो टाइमर आपको कितने टाइम चाहिए होगा ये आपको सेट करना है वहाँ पे। और ये स्विच है एक माइल्ड, मतलब आपको अगर थोड़ा सा टाइम है या कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर कुछ ब्रेक के लिए जा रहे हैं, आप कोटिंग करने वाले हैं, तो आराम से इसको माइल्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखा दूँ, ये करेंगे तो आपका माइल्ड रहेगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर 20 मिनट्स तक आप इसको पकड़ सकते हैं। और अगर आप पावर स्विच ऑन कर देंगे, दो ही यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा आपका एकदम पावर एयर क्रिएट होगा, उससे क्या होगा ड्रायर जल्दी काम करेगा, आपका स्क्रीन जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाएगा। और ये टाइमर जो है, टाइमर को सेट करना है, और मेरा मानना है कि ये बहुत ही जल्दी ड्राई करता है। कितने से मिनट में ड्राई करता है ये बताता हूँ, ये 10 से 12 मिनट में आपका A3 प्लस साइज तक का भी फ्रेम ड्राई हो सकता है इस पर, अगर आप पावर मोड यूज़ किए तो। आप आराम से इसको यूज़ कर दीजिए, टाइमर यूज़ करके आप जा सकते हैं। ये टाइमर ख़त्म होते ही ऑटो कट हो जाएगा, आपको उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, सारे कुछ क्लोज हो जाएंगे, बस आप टाइमर फिट करने हैं आपको। और जो मशीन है इसका, जो सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि प्रिंटर का हर एक मशीन का पार्ट्स अवेलेबल होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मशीन में वारंटी की बात करेंगे तो कंपनी एक साल का वारंटी आपको प्रोवाइड करती है कि विद इन वन ईयर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप जस्ट क्लेम करेंगे ये प्रॉब्लम हुआ है, वारंटी आप पीरियड में आपको सब कुछ सही कर दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। और ये मशीन अच्छी है इसलिए क्योंकि बहुत सारे, मैंने पहले भी एक बार मेंशन कर रहा था कि प्रॉब्लम होती है स्क्रीन प्रिंटर्स को, जितने भी हम लोग भाईचारे जितने भी हम लोगों के स्क्रीन प्रिंटिंग में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को पता है कि स्क्रीन ड्राई करना एक वेस्ट टाइम हो जाता है। आप कुछ काम किए बगैर ही टाइम को वेस्ट करते हैं, आप कोटिंग करें तब भी आप कुछ ना कुछ काम में फंसे हुए रहते हैं, बट ये जो टाइम लेता है 50 से 60 मिनट एक घंटे के करीब करीब अगर नॉर्मल टेम्परेचर में आप ड्राई करते हैं कुछ यूज़ किए बिना, तो ये टाइम एक घंटे जो टाइम है वो भी डार्क रूम में आप ना कुछ फ्रेम के साथ कुछ कर सकते हैं ना तो कुछ और प्रिंटिंग हाउस में और कुछ कर सकते हैं, आपको बाहर निकल के लॉक करके कहीं घूमना जाना पड़ेगा या फिर कुछ दूसरा टाइम पास करना पड़ेगा। तो ये जो वेस्ट एक घंटा टाइम है इस पर शायद आप एक घंटे में अगर फास्ट प्रोडक्शन हो जाए तो आपको 100-150 टी शर्ट निकल जाए या फिर प्रिंटिंग हो जाए, तो ये टाइम जो है आपको सेव करेगी ये मशीन, क्योंकि ड्राई जो है होगा जल्दी फास्ट होगा, 10 से 12 मिनट में आपका A3 साइज प्लस साइज भी हो जाएगा आपका। और जैसे ये मशीन का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट में जाके आप हम लोग का नंबर भी मिलेगा या फिर मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख के डायरेक्ट कॉल करके भी इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट कुछ सजेशन हम लोगों को बहुत अहमियत रखते हैं, फीडबैक आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाए। और बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।